साथियों, यहां लाल किले के पास यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहब भी है। ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी, धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आततायी सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंदी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमें हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की मर्यादा की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए जीने और मर मिट जाने की प्रेरणा दी है। बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, बड़े बड़े तूफान शांत हो गए, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है, भारत आगे बढ़ रहा है। आज एक बार फिर दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मानवता के मार्ग पर पथ प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद हम नए भारत के आभा मंडल में हर और महसूस कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे यहां हर कालखंड में जब जब नई चुनौतियां खड़ी होती है तो कोई न कोई महान आत्मा इस पुरातन देश को नए रास्ते दिखाकर दिशा देती है। भारत का हर क्षेत्र, हर कोना हमारे गुरुओं के प्रभाव और ज्ञान से रोशन रहा है। गुरु नानक देव जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। गुरु तेग बहादुर जी के अनुयायी हर तरफ हुए, पटना में पटना साहिब और दिल्ली में रकाबगंज साहिब, हमें हर जगह गुरुओं के ज्ञान और आशीर्वाद के रूप में एक भारत के दर्शन होते हैं। भाइयों और बहनों, मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे गुरुओं की सेवा के लिए इतना कुछ करने का अवसर मिल रहा है। पिछले वर्ष ही हमारी सरकार ने साहिब जादों के महान बलिदान की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय किया है। सिख परंपरा के तीर्थों को जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जिस करतारपुर साहब कॉरिडोर की दशकों से प्रतीक्षा की जा रही थी, उसका निर्माण करके हमारी सरकार ने गुरु सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार ने पटना साहब समेत गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े स्थानों पर
रेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया है। हम स्वदेश दर्शन योजना के जरिए पंजाब में आनंदपुर साहब और अमृतसर में अमृतसर साहब समेत सभी प्रमुख स्थानों को जोड़कर एक तीर्थ सर्किट भी बना रहे हैं। उत्तराखंड में हेमकुंड साहब के लिए रोपवे बनाने का काम अभी आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे लिए आत्म कल्याण के पथ प्रदर्शक के साथ साथ भारत की विविधता और एकता का जीवंत स्वरूप भी है। इसलिए जब अफगानिस्तान में संकट पैदा होता है, हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को लाने का प्रश्न खड़ा होता है, तो भारत सरकार पूरी ताकत लगा देती है। हम न केवल गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को पूरे सम्मान के साथ शीर्ष पर रखकर लाते हैं, बल्कि संकट में फंसे अपने सिख भाइयों को भी बचाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। प्रेम और सौहार्द हमारे संस्कारों का हिस्सा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।